बदला नहीं गया, कोई सीन नहीं बदला इन्होंने। ये देख लो, ये सारा भाईचारा शुरू हो गया अब यहाँ से। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नफरती गैंग कभी आराम से नहीं बैठते, उनके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है उसे अंजाम देने के लिए लगातार लगे रहते हैं। उन्हें कहीं भी अगर शांति और भाईचारे की बात दिखाई पड़ती है तो वो भड़क उठते हैं, गुस्सा इस कदर उठता है कि वह बॉयकॉट करने लगते हैं। अब ये बॉयकॉट की बात क्यों आई है? बॉयकॉट की बात आई है तो मतलब है फिल्म से ही जुड़ा हुआ मामला होगा। दरअसल एक फिल्म आई, हिंदुत्व मूवी, और इस मूवी का यही नफरती गैंग प्रमोट करते हुए भी दिखाई पड़े थे, और इन लोगों ने हिंदुत्व और दिल लगाया था कि यह फिल्म जो है हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करती है। लेकिन इन लोगों को बड़ा झटका लगा और फिर अब वो बॉयकॉट करने लगे हैं। फिल्म के कुछ हिस्से को सुनाकर हम आपको पूरी स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि फिल्म हिंदुत्व नाम है और उसमें क्या दिखाया गया है और क्या है, और कहां इन लोगों को जो है मिर्ची लग गई कि यह फिल्म हिंदुत्व नाम क्यों है और इसमें तो भाईचारे की बात हो रही है। नफरती गैंग जो है उथल पुथल मचाने को तैयार हो गए, इनके मन में ही यह उथल पुथल मच गई कि यह कैसे हो गया, हमने तो इसका प्रमोशन किया था, अब इसका बायकॉट करना पड़ेगा। अब देखिए, इसे बताने के लिए सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें मोहम्मद जुबैर ने दो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, सुदर्शन न्यूज के ही दोनों पत्रकार हैं। पहला है इसमें सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, उन्होंने हिंदुत्व लिखा और दिल का सिंबल उसमें दिखाई पड़ता है। इसमें उसी फिल्म का स्क्रीनशॉट है जिसमें भगवा लहरा रहा है, त्रिशूल है, दो भगवाधारी हैं और डांस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसमें हिंदुत्व लिखा गया है क्योंकि उन्हें लगा कि इस फिल्म में जो दृश्य है वो हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन मामला धीरे धीरे बिगड़ गया। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पहले हम ट्वीट ही दिखाते हैं, फिर फिल्म के हिस्से को सुनाकर पूरे माजरे को हम समझाने की कोशिश करेंगे। सुरेश चौहानके का नाम हर कोई जानता है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना के एक वीडियो क्लिप और ट्वीट को शेयर करते हुए क्या लिखा। उससे पहले जरा समझिए कि हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना ने क्या लिखा। धोखा धोखा धोखा, हिंदुत्व फिल्म हिंदुओं से धोखा, बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट, हिंदुत्व मूवी का कोई भी सीन नहीं काटा गया है, बॉयकॉट जारी रखना है। और इसी को शेयर करते हुए सुरेश चौहानके ने लिखा, हिंदुत्व मूवी वालों ने कैमरे के सामने दिए गए वचन का पालन नहीं कर समस्त हिंदू समाज को धोखा दिया है, यह बॉलीवुडिया षड्यंत्र हिंदुओं के साथ छलावा है, इस फिल्म का विरोध करें और इनको सबक सिखाएं। अब देखिए, ये दोनों ट्वीट आपने देखा और इसी दोनों स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने जो भी लिखा वो भी वही था कि पहले इन लोगों ने हिंदुत्व फिल्म का जो है प्रमोशन किया, प्रमोट किया, उसके बाद इन लोगों को उसके अंदर ये दिखने लगा कि भाईचारे और एकता की बात हो रही है तो ये भड़क उठे, नफरती गैंग को गुस्सा आया और इस फिल्म का बॉयकॉट करने की ठान ली, और ट्रेंड भी शुरू हो गया, लोग निकल आए बॉयकॉट करने के लिए कि यह फिल्म नहीं देखना। वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में बॉयकॉट कल्चर जो है वो लगातार अभी जारी है, कई फिल्मों के लिए इस तरह ये लोग हावी हुए कि फिल्में पिट गई। अब हिंदुत्व फिल्म के पीछे पड़े क्योंकि हिंदुत्व फिल्म में इनके हिसाब से चीजें नहीं दिखाई पड़ रही थी, इन लोगों ने दबाव भी डाला कि फिल्मों में ये सीन को काटिए, चेंज कीजिए, लेकिन फिल्म के सीन चेंज नहीं हुए और इसी बात का बुरा इन लोगों को लग गया है। अब हम आपको फिल्म का हिस्सा दर हिस्सा सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहला हिस्सा जो वीडियो क्लिप शेयर हुआ है हिंदू राष्ट्र निर्माण नव निर्माण सेना के द्वारा, इसमें बताया गया है पूरी फिल्म को, थोड़े से क्लिप को जहां से इन लोगों को एतराज है, उस फिल्म का एक हिस्सा यह है कि वह चिल्लाते हुए हिंदू लड़का कहता है अपने मुस्लिम दोस्त से, देख तुम्हारे भड़काऊ भाषण ने क्या कर दिया, और पीछे शहर जलता हुआ दिखाई पड़ता है, और फिर वहां पर यह लगता है कि नहीं, यहां तो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। तब उसका दोस्त कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं लोगों की जानें बचाऊं, हिंदू भाइयों की रक्षा करूं, इस लगी आग को बुझाने की कोशिश करूं, कुछ इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो उसका दोस्त कहता है हाँ, और फिर यह जो है दृश्य यहां से शुरू होता है। अब देखिए, यहीं से बुरा लगना शुरू हो गया। अब जरा इस हिस्से को सुनिए, फिर आगे का हिस्सा दिखाएंगे कि वहां पर हुआ क्या। जानते किसने लगाई ये आग? तूने लगाई समीर,
तेरे वो भड़काऊ भाषण और तेरे निकाले वो मोटे जिम्मेदारी हिसाब के। तो सुन लिया आपने। इसके बाद क्या होता है कि उसका हिंदू दोस्त जो है भाईचारा की मिसाल पेश करता है और कहता है कि तू जा हमारे हिंदू भाइयों की जान बचा, मैं मस्जिद के पास मुसलमान के इलाकों में मुस्लिम भाइयों की रक्षा करूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहीं पर भाईचारे की जब बात आती है इन लोगों को बुरा लग जाता है। ये हिस्सा सुनिए आप। बचा हिंदुओं को, मंदिरों को, मस्जिदों के सामने तेरा ये भाई खड़ा है। तो सुन लिया आपने कैसे जब शुरुआत में भड़काऊ भाषण की बात थी ये लोग शांत थे, लेकिन जैसे भाईचारा और एकता की बात आई यहीं पर इन लोगों को बुरा लगने लगा। अब आप इस वीडियो में वो हिस्सा भी सुन सकते हैं कि उनके इसी बयान के ऊपर वो यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है जो लोग फिल्म देख रहा है। इन लोगों ने कहना शुरू किया कि लीजिए शुरू हो गई भाईचारे की बात, एकता की बात, और इन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते हैं, इन्हें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, उनके सम्मान की बात कर नहीं सकते, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान कभी नहीं कहता कि जात और धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। ये तो फिल्म है, और फिल्म हिंदुत्व नाम भले ही है लेकिन इस फिल्म ने एकता का संदेश दिया तो इन लोगों को बुरा लग गया। तकलीफ इस कदर हो गई कि सब लोगों ने बॉयकॉट करने का ऐलान करवा दिया। फिल्म के सीन क्यों नहीं काटे गए? दबाव यह था कि ये एकता भाईचारे वाले जो सीन है इसको काट के हटाइए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा यानी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी। और इसी वजह से शुरुआत में हिंदुत्व का नाम देखकर ये लोग जो है खुशी से खिलखिला उठे थे और फिल्म को प्रमोट करने लगे। लेकिन जैसे ही फिल्में देखी और इन लोगों को यह पता चलता है कि इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है, जो दो दोस्त हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों साथी हैं, वो एक हिंदू साथी मुसलमान इलाकों में लोगों की जान बचाना चाहता है और जो मुस्लिम साथी है वो हिंदू के इलाके में लोगों की जान बचाना चाहता है, यही बात इन नफरती गैंग को नागवार गुजरी है। और इन लोगों ने इसी के चलते बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म ने जो संदेश दिया है क्या यह सच्चे भारत का संदेश नहीं है, जहां पर हमारी संस्कृति यह कहती है कि आप धर्म तो है, इंसानियत का धर्म जो है सबसे ऊपर है, धर्म बहुत है हमारे यहां, लेकिन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये सब जो है आपस में भाई भाई हैं, भारत तो यही कहता है। और इस फिल्म ने भले ही नाम हिंदुत्व मूवी रखा लेकिन इसमें संदेश इसी बात की दी गई कि भाई भारत है ये, भारत में प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा सद्भावना की ही बात होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ नहीं सकते आप। और इस फिल्म ने यही दिखाने की कोशिश की तो इन लोगों को बुरा लग गया। बदला नहीं गया, कोई सीन नहीं बदला उन्होंने। ये देख लो, ये सारा भाईचारा शुरू हो गया अब यहाँ से। ये वही भाईचारा इसमें दिखाया गया है। तो आप हिस्सा सुन रहे हैं कि फिल्म के ऊपर ही इन लोगों का डायलॉग शुरू हो गया। अरे ये क्या हो गया, ये तो एकता की बात हो रही है, क्या इस देश को ये तोड़ने वाले नहीं है, ये नफरती गैंग जो है देश को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे? फिल्म अगर संदेश दे रही है कि आपस में मिल जाना है, हम लोगों को रक्षा करनी है, शांति फैलाना है ताकि अमन चैन से लोग रह सकें, ये इन्हें नागवार गुजर रही है। तभी तो मोहम्मद जुबैर ने भी इनके ही स्क्रीनशॉट को शेयर किया कि पहले आप तो हिंदुत्व वाला दिल लगा रहे थे, फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और अब इस फिल्म से इतनी नफरत कि आप बॉयकॉट कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि इस फिल्म ने भाईचारा और एकता की बात की जो आपको पसंद नहीं है। इस देश में क्या मुसलमानों को रहने का हक नहीं है? क्या बाकी धर्मों को यहाँ पर रहने का हक नहीं है उनके लोगों को? तो फिर किस बात के लिए इस तरह का गुस्सा, इस तरह का नफरत दिखाना? ये तो जहर है और जहर की खेती हो रही है, इन्हें रोकने वाला कौन है? हिंदुत्व के नाम पर आप किसी को भड़का तो नहीं सकते, भाईचारा और एकता से आप तो नफरत नहीं कर सकते, प्रेम से नफरत करते हैं, ऐसे लोग हैं ये लोग। तो नफरती गैंग जहर फैलाने वाले चाहे संघी मानसिकता के लोग या भगवाधारी या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो जहर उगलते रहते हैं, इन लोगों को भी यह फिल्म देख करके कम से कम सलाम करना चाहिए। अरे भैया, कोई तो भाईचारा और एकता की बात कर रहा है, शांति की बातें कर रहा है, शहर जल रहा है, उसे कैसे उस आग को बुझाए उसकी बात कर रहा है। फिर भी अगर दिक्कत है
तब तो ये बेहद ही शर्मनाक है कि इस देश की संस्कृति क्या है और किस ओर हमें ले जाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।